कभी तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि दिन रात कैसे बनते हैं और दिन के पीछे रात क्यों होती है, जबकि दो दिन के बाद एक रात क्यों नहीं आती। दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा की ऋतुएं कैसे आती है, ये ऐसे कई सारे सवाल है जो आप इनका जवाब तलाश रहे। हम आज इस रिपोर्ट में इन सारे सवालों का जवाब देंगे, तो आप इस रिपोर्ट के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हर क्षेत्र के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं। दिन रात कैसे बनते हैं? दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय गोला है जिसका अपना कोई खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य की तरफ रहता है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है जब यहाँ पर दिन रहता है, और पीछे वाला भाग जो पीछे की ओर रहता है वो प्रकाशहीन होता है, जिस वजह से यहाँ पर रात होती है। दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी लट्टू की भांति अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है, इसे हम पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी को एक बार परिभ्रमण करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इसमें लगभग आधा समय तो पृथ्वी के धरातल का कोई भी भाग सूर्य के सामने से होकर गुजरता है, जिस कारण सूर्य की लाइट उस भाग में पड़ती है जब यहाँ पर दिन होता है, और पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के पीछे की साइड में रह जाता है, वह भाग अंधेरे में रहने के कारण यहाँ पर रात होती है, जो आप इस वीडियो या फोटो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार परिभ्रमण के एक चक्कर में लगभग आधे समय के लिए रात और आधे समय के लिए दिन रहता है, तब दूसरा चक्कर आरंभ हो जाता है, और इस प्रकार रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात होती रहती है। 24 घंटे के एक दिन रात को साधारण बोलचाल में एक दिन कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी भ्रमण मार्ग पर लंबवत मतलब कि सीधा होता है, तो पृथ्वी पर के प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ 66/1/2 डिग्री का कोण बनाए रखता है, और पूरे साल में यह परिक्रमण में झुकाव इस प्रकार रहता है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटी और रात बड़ी होती है। इस प्रकार ही 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी तथा दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है, इसका परिणाम यह होता है कि इस दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। दोस्तों, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है, और दक्षिणी ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक। विषुवत वृत्त पर दिन रात वर्ष पर समान होते और मौसम भी वर्ष पर एक जैसा रहता है। अब बात करते हैं ऋतुएं कैसे बनती है, वर्षा ऋतु कैसे आती है, सर्दी ऋतु कैसे आती है, ये सारी ऋतुएं कैसे बनती है। दोस्तों, पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक बार परिक्रमण करती है। इस परिक्रमण में अक्ष का झुकाव सदा अपने समांतर रहता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है। 21 जून को 23/1/2 डिग्री उत्तर में कर्क वृत्त पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और 22 सितंबर को 23/1/2 डिग्री दक्षिण में मकर वृत्त पर है। दोस्तों, इसका परिणाम यह निकलता है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च में बसंत ऋतु होती है, जून में ग्रीष्म ऋतु, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर में शीत ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में ऋतुएं इसके विपरीत होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे होते हैं, रात छोटी। शीत ऋतु में दिन छोटे और रात लंबी। बसंत और शरद ऋतु में दिन रात बराबर होते और मौसम सुहावना होता है। दोस्तों, दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, परंतु प्रातः और साय में यह किरणें तिरछी होती है। यही कारण है कि दोपहर को हमारी छाया छोटी होती है, परंतु सवेरे और शाम के समय बड़ी होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है, लंबवत मतलब कि सीधा। अतः ग्रीष्म ऋतु में साय यानी हमारी छाया छोटी होती है, और शीत ऋतु में लंबी होती है।
एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सूर्य देय के समय गर्मी हल्की होती है, ज्यों ज्यों सूर्य आकाश में ऊपर उठता है और गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है और फिर ढलने लगता है, परंतु गर्मी अभी भी घंटा दो घंटे बढ़ती जाती है। कारण यह है कि सवेरे से दोपहर तक धूप की बहुत सी गर्मी पृथ्वी में एकत्रित हो चुकी होती है और दोपहर के पश्चात भी सूर्य अभी घंटा दो घंटे लगभग सीधा ही चमकता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में और अधिक गर्मी होती रहती है और गर्मी और तेज कर देती है। फिर सूर्य और अधिक ढल जाता है, तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है, इससे शाम के समय में ठंड हो जाती है। रात को भी आधी रात के पश्चात आधी रात की अपेक्षा अधिक सर्दी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ऋतु में विषय में होता है। हमारे यहाँ जून में सबसे अधिक गर्मी न होकर जुलाई का मास सबसे अधिक गर्म होता है और शीतकाल में दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में सर्दी अधिक पड़ती है। तो दोस्तों यह था प्रकृति का चक्कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपकी इसके ऊपर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक है इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर अगले टाइम में वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।